बस पकड़ लिए हैं, जा रहे हैं इंडिया गेट, तो वहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हम इस समय हैं इंडिया गेट पे, जो कि दिल्ली का एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। लोग यहाँ अगर दिल्ली आते हैं तो दिल्ली पे ज़रूर घूमने आते हैं। इसका नाम है इंडिया गेट, लेकिन जो गेट ऑफ इंडिया है वो मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को। बहुत लोग इंडिया गेट को ही गेट ऑफ इंडिया कहते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। लेकिन मुझे अंडरग्राउंड से जाना है, शायद यही है, तो चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो यहाँ से एंट्री है और इधर साइड देखेंगे आप, लेफ्ट साइड तो ऐसा सीन है और राइट साइड देखेंगे तो ये इंडिया गेट है, ये इंडिया गेट है और यहाँ से एंट्री है, जहाँ आप देख सकते हैं लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, वहाँ से एंट्री है। फ़ोटो नहीं, चश्मा ले रहे हैं लोग। तो इस समय हम अंडरग्राउंड चल रहे हैं, ऊपर रोड है। जैसा कि मैं आपको बताया कि रोड के इस पार में था और अंडरग्राउंड के माध्यम से मैं रोड के उस पार जा रहा हूं और इधर ही साइड इंडिया गेट है। तो चलिए, मैं इंडिया गेट पहुंच चुका हूं, आपको दिखाता हूं काफ़ी नज़दीक से। तो फाइनली आप देख सकते हैं पीछे इंडिया गेट है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे कैमरा वाले रहते हैं, वो आपको बिना बताए आपका फ़ोटो खींच देंगे, बोल देंगे भैया आपको ऐसा ऐसा खिंचवाना है तो बताइए। और जब आप उनके कैमरे में देखेंगे तो आपका फ़ोटो वाकई बहुत अच्छा आया रहता है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, तो मुझे मतलब अच्छा लगा फ़ोटो, तो मैं भी एक खिंचवा लिया हूँ, कम से कम 6-7 फ़ोटो खिंचवाया हूँ। 20 रुपये की एक दे रहे थे, लेकिन मैंने 40 रुपये का 7 फ़ोटो खिंचवाया हूँ थोड़ा सा मार्जिन करवा के। और एक मिल गए थे चश्मा वाले, ये चश्मा ख़रीदा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रहा था। ये चश्मा बोल रहे थे 100 रुपये का, 80 रुपये का मिला है, लगाते हैं फिर देखते हैं कैसा लगता है। आप देख सकते हैं पीछे इंडिया गेट है और अब थोड़ा लुक अच्छा लग रहा है देखने में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रहा था तो आँख में चूनी लग रही थी, जिसकी वजह से मैं सही से देख भी नहीं पा रहा था। फाइनली आप देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा धूप है इस समय, फिर भी लोग इतना एक्साइटेड हैं कि वो इंडिया गेट के सामने आ कर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और चोनी भी लग रहा है, फिर भी वो अपने आँख को तान रहे हैं क्योंकि फ़ोटो ख़राब ना हो जाए। हम हर प्लेस पे जा रहे हैं तो मुझे यही ज़्यादा चीज़ दिख रहा है, सेल्फ़ी फ़ोटोग्राफी सबसे ज़्यादा, जितना वो अपने आँखों से नहीं देखते उसे उतना ज़्यादा वो अपने मोबाइल के कैमरे में, उसको भले सामने लेकिन सामने नहीं उसको कैमरे में ज़्यादा देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे कितना ज़्यादा भीड़ है और इतना ज़्यादा धूप होने के बावजूद भी।
ऐ मेरे बंदिया ये तूने क्या किया। या पीछे देख सकते हैं सुभाष चंद्र जी खड़े हैं और ये सीधा सीधा इंडिया गेट के सामने है। आप देख सकते हैं ये इंडिया गेट है। ऐ मेरे दिल को तूने चुरा लिया, तू है क्या मेरे लिए, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, तेरे बिन ये जिंदगी लगे बेवजह मुझे, तू है क्या मेरे लिए, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, तेरे बिन ये जिंदगी लगे बेवजह मुझे, तू है तो ये दिल धड़कता है, तू नहीं तो तड़पता है, तुझसे आए दिन बड़ी खुशनुमा, तू दुनिया है मेरे रहनुमा, तू जो साथ है मेरे फिर क्या फिकर मुझे, तुझसे ये बंदगी समझाऊं कैसे तुम्हें, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के बिना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, अपना बना ले पिया। और आवाज़ तेज करिए, फुल करिए आवाज़, तेज करो, प्ले करो, प्ले करो। उसे नचाना आता था। स्टार्ट। ओ भाई जियो। लेकिन करेंगे पूरा तो वहीं से ऐड हो नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा उतना, वो नहीं आ पाएगा ना। चलिए चलो।